नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में होगा कांग्रेस का अधिवेशन। कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश ने किया निरीक्षण, महाधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया गया। बड़ी जानकारी रायपुर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल ने इसका निरीक्षण किया और स्थल का निरीक्षण किया गया है, जायजा लिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रायपुर से। रायपुर में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल ने महाअधिवेशन का निरीक्षण किया। महाअधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रदेश में होगा कांग्रेस का महाअधिवेशन और इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है और इसी कड़ी में कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल ने महाअधिवेशन के स्थल का निरीक्षण किया और पूरे स्थल का जायजा भी लिया गया है। रायपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जल्द ही महाअधिवेशन की तैयारियां जोरों शोरों से है और महाअधिवेशन को लेकर तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको निरीक्षण के दौरान की दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है और महाधिवेशन से पहले भूपेश बघेल ने स्थल का निरीक्षण किया, तमाम चीजों का जायजा लिया और उनके साथ कुमारी शैलजा भी मौजूद थीं। तो रायपुर का मानपुर मोहल्ला में एसपी अक्षय कुमार के नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर नक्सल फ्रंट पर दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 25 केवी वजनी बम पुलिस ने बरामद कर लिया है। गणतंत्र दिवस से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल को हालांकि भारी नुकसान पहुंचने की नीयत से ही कोहका थाने अंतर्गत बड़े पुल किनारे बम प्लांट किया गया था, जिसको लेकर एसपी की सतर्कता के कारण ही बम बरामद हो गया है। तो रायपुर से आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गणतंत्र दिवस से पहले ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। 25 केवी वजनी बम का बरामद किया पुलिस ने और पुल के किनारे इसे प्लांट किया गया था, जहां पुलिस ने इसे बरामद किया है। ये तस्वीरें हम आपको उस इलाके की दिखा रहे हैं जहां बम को प्लांट किया गया था, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन अपने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में पूरी तरीके से जुटी हुई है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। और किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया है और इस बम को प्लांट किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने इस बम को बरामद कर लिया है। तो रायपुर में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नारायण चंदेल ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस सरकार की कारगुजारी से तंग जनता उनसे हाथ जोड़कर बख्श देने की अपील भी कर रही है। तो प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज करेगी और ये यात्रा 2 महीने तक चलने वाली है। इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से कई बैठकें भी इस यात्रा को लेकर की गई, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और एक बार फिर से जमकर निशाना साधा गया है कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस जनता के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को निकाला जा रहा है, वही जनता कांग्रेस के सामने हाथ जोड़कर यह अपील करेगी कि उन्हें बख्श दिया जाए। सरकार के खिलाफ में, भूपेश सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ी बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए,
इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो। दूसरी तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पर रेप का आरोप लगा है। जांजगीर की एक युवती ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराया है। मामले में छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग शिकायत दर्ज की गई और रायपुर महिला थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई है। जनजातीय आयोग ने मामले में संज्ञान भी लिया। आपको बता दें कि पलाश चंदेल पर युवती ने शादी का झांसा देकर 3 सालों तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया। आरोपी के पिता यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वो सदस्य गणेश ध्रुव ने इस मामले की जानकारी दी है। कल हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की एक महिला के द्वारा यहाँ प्रकरण दर्ज करवाई गई है, जिसमें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता श्री नारायण चंदेल का पुत्र बताया गया है। उनका नाम पलाश चंदेल है और इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ तो जानकारी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्यायालयीन मामला है और इस मामला में हम अभी पंजीयन दर्ज कर चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी बाद में आप लोगों को दे दी जाएगी। तो खबर रायपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर रेप के आरोप लगने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर रेप के आरोप लगे और एफआईआर दर्ज भी हुआ है, जिस वजह से अब बीजेपी को तत्काल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पद से हटा देना चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का गंभीर आरोप लगा और इसके बाद कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल को पद से हटाना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर रेप के जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और एफआईआर दर्ज भी की गई है। आपको बता दें कि नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के ऊपर एक महिला ने 3 साल तक शादी का झांसा देकर उत्पीड़न करने का मामला दर्ज कराया। अब महिला थाने में भी एफआईआर को दर्ज कर लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो रही है। भाजपा को अब अपना नाम बदलकर बलात्कारी जन पार्टी रख लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र के खिलाफ एक पीड़िता ने रेप के आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ है, आयोग में उन्होंने बयान दर्ज कराए हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं के चरित्र उजागर हो चुका है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक बेटियों के साथ हो रही दैहिक शोषण की घटना, छेड़छाड़, रेप की घटना में भाजपा नेताओं की संलिप्तता उजागर हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवान बेटियां भाजपा सांसद बिजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। भाजपा दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवान तो शीतला मंदिर नगरी में हुए चोरी की घटना का खुलासा हो गया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने चोरी किए माता का छत्र और अन्य सामानों को शमशान घाट में जमीन में दबा दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए 4 आरोपी जागेश्वर उर्फ जग्गू, गोपाल ध्रुव, संतोष ध्रुव, सूरज ध्रुव नगरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी आरोपियों के पास से जब्त की। 4 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा किया पुलिस ने। 4 आरोपी को
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में ये चारों आरोपी आ चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको आरोपियों की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने शीतला माता मंदिर में चोरी की थी। शीतला मंदिर नगरी में हुए चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने चोरी किए माता का छत्र और अन्य सामानों को शमशान घाट में दबा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए चारों आरोपी जागेश्वर ध्रुव उर्फ जग्गू, गोपाल ध्रुव, संतोष ध्रुव, सूरज ध्रुव नगरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी आरोपियों के पास से बरामद की। साथ ही ये चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसके बारे में पूछताछ करने पर चारों व्यक्ति एक साथ मिलकर दिनांक 16 एवं 17 के दरमियानी रात में शराब के नशे में पहले दैनिक बाजार में शराब पिए, उसके बाद में जाकर सनिचरी बाजार नगरी के पास शराब पिए और सनिचरी बाजार के पास ही शराब पीते पीते इन्होंने प्लानिंग बनाया कि शीतला मंदिर नगरी में चोरी करना है। और उसके उपरांत आरोपी जागेश्वर उर्फ जग्गू ध्रुव, जो पूर्व में भी चोरी के प्रकरणों में जेल में रहा, तो बीजापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न स्थानों पर गतिविधि आयोजित की गई। और इस दौरान आयोजन पर विभिन्न स्थानों में उपस्थित महिलाओं, किशोरियों, बालिकाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हुए बताया गया कि बालिका बालक में समानता और सम्मान की भावना को लेकर पूरा सप्ताह राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे कि समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति फैली कुरीतियों को दूर कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा से बड़ी और कुछ भी नहीं, ये भी कहा गया, यदि हम नारी शिक्षा के अलग को जगा लेते हैं तो अपने पूरे परिवार को शिक्षित किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बीजापुर में। बीजापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण को लेकर कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न स्थानों पर गतिविधि आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन पर विभिन्न स्थानों में उपस्थित महिलाओं ने किशोरियों, बालिकाओं और कानूनी अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि बालिका बालक में समानता और सम्मान की भावना को लेकर पूरा सप्ताह बालिका राष्ट्र बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे कि समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति फैली कुरीतियों को दूर किया जा सके और महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा भी दिया जा सके। शिक्षा से बड़ी और कुछ भी नहीं है, यदि हम नारी को शिक्षित करते हैं तो हम मान लीजिए कि पूरे परिवार को ही शिक्षित कर सकते हैं। तो कोंडागांव जिले के कोकोड़ी में निर्माणाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण कर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि राज्य शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण इस मक्का प्रसंस्करण प्लांट को तय सीमा पर ही पूरा किया जाना जरूरी है और इस दिशा में सभी निर्माण कार्यों को द्रुत गति से संचालित कर जून 2023 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस और कार्यों में अद्यतन प्रगति लाने के लिए कार्यवृद्धि बढ़ाने सहित दो शिफ्ट में कार्य संचालित करने को कहा। उन्होंने प्लांट एरिया में मैप के आधार पर निर्माण किए जाने वाले हरेक सेक्शन के प्रगति संबंधी जानकारी भी ली, साथ ही संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। तो कोंडागांव जिले के कोकोड़ी में निर्माणाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण कर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा है कि शासन
ये अत्यंत महत्वपूर्ण इस मक्का प्रसंस्करण प्लांट का तय सीमा पर पूरा करना जरूरी है और इस दिशा में सभी निर्माण कार्यों को द्रुत गति से संचालित कर जून 2023 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए और इन कार्यों में अद्यतन प्रगति लाने के लिए कार्यावधि बढ़ाने सहित दो शिफ्ट में काम संचालित भी किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट एरिया में मैप के आधार पर ही निर्माण हो और हर एक सेक्शन के लिए प्रगति संबंधी जानकारी भी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उन्होंने अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो रायपुर के राजकोट में CBSE नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और जिसके लिए आज GPS रायपुर की स्विमिंग टीम राजकोट के लिए रवाना भी हो गई है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में GPS रायपुर से 17 बच्चे भाग ले रहे हैं। बता दें कि ऑल इंडिया से सभी CBSE स्कूल से बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेने के लिए जा रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों CBSE जुड़ो चैंपियनशिप में GPS रायपुर के बच्चों का शानदार प्रदर्शन भी रहा और जिसमें बच्चों ने पदक भी जीतकर रायपुर और DPS का नाम गौरवान्वित किया है। DPS जयपुर से रायपुर से 17 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रतियोगिता से पहले की, जब बच्चे भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी भी देखने को मिली। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जब बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने से पहले के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रायपुर के राजकोट में CBSE नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है और इसके लिए आज GPS रायपुर की स्विमिंग टीम राजकोट के लिए रवाना भी हो गई है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में DPS रायपुर से 17 बच्चे भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया से सभी CBSE स्कूल से बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों CBSE जूडो चैंपियनशिप में DPS रायपुर के बच्चों का शानदार प्रदर्शन रहा था जिसमें बच्चों ने पदक जीतकर रायपुर और DPS का नाम रोशन भी किया था। कहते नेशनल कंपटीशन हो रहा है इसका, राजकोट में हो रहा है इसका, और अपने DPS से कहते 17 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कर रहे हैं इसमें। अंडर 11 के गर्ल्स एंड बॉयज टीम है, अंडर 14 के बॉयज टीम है अपनी, पूरे ऑल इंडिया से आते हैं। CBSE के जितनी भी ऑल इंडिया की स्कूल्स रहती है उसमें आते हैं। तो इस बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्शकों को अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। क्रिकेट मैच देखने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात, जो दर्शक क्रिकेट मैच देखने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि रायपुर में 21 जनवरी को क्रिकेट मैच होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम जाने वालों को टोल टैक्स नहीं देना होगा और ये टोल फ्री सेवा इसलिए क्योंकि भारत न्यूजीलैंड का मैच खेले जाना है और इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। मंदिर हसौद मार्ग से स्टेडियम जाने वाले टोल टैक्स नहीं देंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच होना है। जो दर्शक मैच का आनंद लेने के लिए जाने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब वो टोल टैक्स यहाँ नहीं देंगे और उनका टोल फ्री होगा मैच को देखते हुए, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है और इस मुकाबले को लेकर ये बड़ी सौगात खेल प्रशंसकों की तरफ के लिए दी गई। और बड़ी बात आपको यहाँ बता दें कि जो मैच देखने की तैयारी में है उन्हें टोल नहीं देना होगा, ये फैसला लिया गया। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। साथ ही आपको बता दें कि क्रिकेट मैच देखे जाने वाले लोग अब नहीं देंगे टोल टैक्स। तो रायपुर के राजीव भवन में PCC की अहम बैठक हुई है। बैठक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी के द्वारा
की गई। आपको बता दी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी पूर्व केंद्र मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में हो। इस दौरान पीसीसी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण और जिला प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अरुण यादव का हमारे जिले के अध्यक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई और 26 जनवरी से 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और इस यात्रा में राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की नाकामियों और हमारे सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर लोगों के घर भी जाया जाएगा। इन उद्देश्यों को लेकर ही राहुल गांधी चल रहे हैं, हम उन्हीं उद्देश्यों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को बताएंगे। जिला प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक, छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जी लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा और दिशा निर्देश देंगे और एक बृहद कार्यक्रम है। माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की नाकामियां, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे नुक्कड़ सभा और हर घर जाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे और माननीय राहुल गांधी जी का संदेश भी बताएंगे। तो रायपुर राजधानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 160 बदमाश को गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने 12 ठिकानों पर दबिश दी। आरोपियों के पास से 34 किलो गांजा भी जब्त किया गया। 60 से अधिक आरोपियों के पास से हथियार भी मिले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों में 20 हिस्ट्री शूटर भी है। कुल 160 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान सभी बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। इन बदमाशों के 12 ठिकानों पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो 160 बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आए हैं उसमें से 20 तो हिस्ट्री शूटर भी हैं। 20 हिस्ट्री शूटर है 160 बदमाश। आपको बता दें कि 60 से भी ज्यादा बदमाश इनके पास असलहे भी बरामद किए गए। 34 किलो गांजा भी इन तमाम बदमाशों के पास से बरामद हुआ। बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस की गिरफ्त में अब 160 बदमाश आ चुके हैं। 34 किलो गांजा इन बदमाशों के पास से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यहां पर यह भी बता दें कि जो बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आए हैं उसमें से 20 तो हिस्ट्री शीटर भी हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।